अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। इस नई बात के साथ आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं आपको चिकन ब्रेड बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिना ओवन के। बिल्कुल आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये देखें कितनी फ्लफ़ी बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी। तकरीबन आपने एक कप मैदा ले लेना है और इसमें हाफ टी स्पून आपने बेकिंग पाउडर शामिल कर देना। दो चम्मच आपने इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर देना। एक चम्मच इसमें पिसी हुई बारीक चीनी शामिल कर दें। अब इसमें एक चुटकी नमक शामिल कर दें। अब इसमें आप तकरीबन आधा चम्मच ईस्ट डाल दें। एक प्याले में आप एक अंडा तोड़ लें और इसको अच्छे से फेंट लें। तकरीबन दो से तीन चम्मच आप इसमें दही शामिल कर दें और अब दही को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने जो अंडा फेंटा था, अब तकरीबन आधा अंडा इसमें वो हम शामिल कर देंगे। अब अंडे को भी अच्छे से इस पूरे मिक्सचर में मिक्स कर लें। जब सब मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें तकरीबन थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें और आटे को अच्छे से गूंद लें। ये मिक्सचर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इसको बिल्कुल भी आपने हार्ड नहीं करना। ये जितना ज़्यादा नरम होगा उतनी हमारी ब्रेड मज़े की फ्लफ़ी बनेगी, सॉफ्ट सी। ये देखें ये बहुत सॉफ्ट है, इस पर हल्का सा ऑयल लगाएं। अब आप एक डब्बा ले लें, उसमें अच्छे से ऑयल लगा लें और अभी जो हमने अपना डो तैयार किया है हम इसमें रख देंगे और इसको कवर कर देंगे और तकरीबन इसको दो से तीन घंटों के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। अब आप इसको अच्छे से ऑयल लगा दें और इसको कवर करके दो से तीन घंटों के लिए छोड़ दें ऐसे ही। नमक, लाल मिर्च, सिरका, सोया सॉस लगा के चिकन पीसेस को मैरिनेट करके रख दें। तकरीबन दो से तीन घंटों के लिए इसको मैरिनेट होने दें। अब एक फ्राई पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा घी डालें और ये जो हमारे चिकन क्यूब्स से मैरिनेट किए हुए हम इसमें रखना शुरू कर देंगे। एक एक करके आप इसको पूरे फ्राई पैन में फैला दें। कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही फ्राई करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप भी मज़े मज़े के खाने बना के घर वालों का दिल जीत सकें। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कम से कम चीज़ों में आपको मज़े से मज़ेदार खाने बनाना सिखाऊं ताकि आप भी नए किस्म के खाने बना के अपने दस्तरखान को चार चांद लगा सकें। ये झटपट आसानी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। अब इसको ढकना दे दें और कुछ देर के लिए इसको पकने दें। कि हमारे चिकन पीसेस बिल्कुल गल चुके हैं और ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से मैश कर देंगे। बिल्कुल भी हम इसके बड़े बड़े पीसेस नहीं रहने देंगे, इसको हम बिल्कुल मैश कर कीमा बना देंगे इसका। बस इसको मुसलसल कुक करते रहें और चम्मच की मदद से इसको मैश करते रहें जब तक ये बिल्कुल रेज़ा रेज़ा ना हो जाए। ये देखें हमारे चिकन के पीसेस कितने छोटे छोटे हो चुके हैं, ये बिल्कुल एक कीमे की शक्ल की तरह का हो गया। अब तकरीबन एक प्याज और एक शिमला मिर्च को आप बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लें। अब इनको भी ऐसे ही आपने लिटल कुक करना है। थोड़ा सा पहले प्याज डालें, शिमला मिर्च डालें और इनको हल्का सा कुक करें। इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल और शामिल कर दें और इसको अच्छे से कुक कर लें। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी चिकन ब्रेड बिल्कुल ऐसी ही सॉफ्ट बने तो आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक लास्ट में देखिएगा और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहती हैं।
ठीक है, हमारी शिमला मिर्च और प्याज बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब हम इस सारे को आपस में मिक्स कर देंगे। मैं आपके लिए रोज़ नई से नई रेसिपीज लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपकी खानों की वैरायटी में इजाफा हो सके। अब आपने स्टफिंग को बहुत अच्छे से कुक करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। ज़रूरी नहीं कि स्टफिंग में आप यही तीन चीज़ें डालें, आप इसमें कुछ भी इजाफे डाल सकती हैं। आप इसमें टमाटर, गाजर या और भी किस्म की कोई भी सब्ज़ी इसमें आप शामिल कर सकती हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि देखिए हमारा ये मिक्सचर कितना बिखरा बिखरा है, ये बिल्कुल भी स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी। स्टफिंग को बाइंड करने के लिए हम इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैदा शामिल करेंगे, और मैदा शामिल करने के बाद फौरन ही हम इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इससे हमारी स्टफिंग बिल्कुल बाइंड हो जाएगी और बिखरेगी नहीं। ये देखें हमारी अब स्टफिंग कितनी प्यारी लग रही है और ये कितनी अच्छे से जुड़ने लग गई आपस में, ये बिल्कुल भी बिखरी बिखरी नहीं लग रही। अब हमारी ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़े की बनेगी। इसे स्टफिंग बना के आप किसी भी किस्म की चीज़ बना सकती हैं। आप इसको परांठे में लगा सकती हैं, आप इसका पॉकेट बना सकती हैं, आप इससे कुछ भी बना सकती हैं। ये बहुत डिलीशियस है। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए और वक्त भी कम हो और बच्चों को ऐसा कुछ डिलीशियस बना के देना हो, तो आप ऐसे स्टफिंग बना के ब्रेड में लगा के भी बच्चों को दे सकती हैं। ये बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के देने के लिए बेहतरीन डिश है। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। हमारी स्टफिंग अब बिल्कुल तैयार है। हम इसको एक सेपरेट प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। एक पतीली में स्टैंड रख के उसको ढकना लगा दें और प्री हीट होने दें। ये देखेंगे मैंने डो को अच्छे से फैला लिया है। ये निहायत सॉफ्ट डो है और ये बिल्कुल हाथों से फैल रहा है, इसके लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने इसके सेंटर वाले एरिए में सारी स्टफिंग लगा देनी है। इस बात का ख्याल रखें कि स्टफिंग ना ज़्यादा हो ना कम हो, अगर हम इजाफी रख देंगे तो वो सारी बाहर निकल आएगी। जो बचा हुआ अंडा था उसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा दें। एहतियात से इसको पतीली में रख दें और ढकना लगा दें। ये शेप बनाने में बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत यूनिक है। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में। ये देखें माशाल्लाह से हमारी चिकन ब्रेड कितनी प्यारी लग रही है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल बाजार जैसी फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनी है। आप भी इसे बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह उन्हें पसंद आएगी। मुझे भी कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।